25 सितंबर को कार्यकर्ता महाकुंभ होगा भोपाल में, आएंगे प्रधानमंत्री, इसको लेकर जिला भाजपा कार्यालय पर की पत्रकार वार्ता। 25 सितंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और उसी दिन कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर जिला भाजपा कार्यालय पर आज पत्रकार वार्ता भाजपा प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी ने चर्चा की। बताया कि लगभग 10 लाख कार्यकर्ता इस महाकुंभ में सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्ड वितरण करने का कार्य किया गया है। मंदसौर जिले सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रक्तदान का कार्यक्रम किया। इसके साथ ही बताया कि 2 अक्टूबर को सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान सभी बूथों पर चलाया जाएगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ रचनात्मक एवं सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निर्वहन करती है। मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर भाजपा को बहुमत मिलेगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश सरकार पर हुए कर्ज के बारे में भी मीडिया के सवाल पर कोई जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ ही भाजपा की गुड़बाजी के बारे में बताया कि नेताओं से उनके मन में मलाल होता होगा पर पार्टी के प्रति कोई मलाल नहीं होता है और सभी एकजुट होकर कार्य करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा पर कहा कि जनता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, पर कई जगह जन आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो वहां पर विरोध भी हो रहा है। इतना ही नहीं, मंदसौर के पास ही जिले में नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान पथराव हुआ था, जिसमें कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है, जिसमें कई कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी इस घटना में शामिल थे। पर बीजेपी की सरकार होने के कारण भाजपा के जिन नेताओं पर इस तरह का आरोप लगा था उनको हिरासत में नहीं लिया। पर मंदसौर जिले की बात करें तो यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता अपने नेताओं और विधायक और मंत्री से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वह समय समय पर दबी आवाज में उनका विरोध भी करते हैं। जन आशीर्वाद यात्रा के समापन अवसर पर आयोजित होने जा रहे कार्यकर्ता महाकुंभ को लेकर आज महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में वर्चुअल उपस्थित रहकर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी अपने सुझाव रखे। इस बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद का जी मौजूद थे और पत्रकार वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, भाजपा जिला संगठन प्रभारी गोपी कृष्ण नीमा, भाजपा जिला अध्यक्ष नानालाल अटोलिया, भाजपा जिला महामंत्री गणपत सिंह अंजना और भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जैन उपस्थित रहे। 3 सितम्बर से लेकर के 6 सितम्बर तक मध्य प्रदेश में 4 जन आशीर्वाद यात्राएं आरंभ हुई हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी ने इन यात्राओं को आरंभ किया, जो 22 तारीख को 5 यात्राएं भोपाल के निकट आकर के समाप्त होंगी और इसके समापन के साथ ही एक विराट कार्यकर्ता महाकुंभ भोपाल के जमहूरी मैदान में 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के दिन संपन्न होगा, जिसमें लाखों की संख्या में बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, हमारी बूथ समिति, हमारे शक्ति केंद्र की समिति, हमारे मंडल की समिति, जिले की समिति, हमारे जनप्रतिनिधि, सारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, सरपंच सहित हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है बूथ समिति तक, इन सब का समावेश होगा। वो भोपाल में लाखों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ एकत्रित होगा, इसलिए उस कार्यक्रम को नाम दिया है कार्यकर्ता महाकुंभ, जिसको संबोधित करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 25 सितंबर को भोपाल आएंगे और एक महाकुंभ में हमारी सारी व्यवस्थाएं कैसे हो, कार्यकर्ता अच्छे से सब जगह से आए, कार्यकर्ता में नीचे से उसको चालना मिले और बड़ी संख्या में जो अपेक्षा है उस नाते से कार्यकर्ता आए, इस दृष्टि से आज मैंने मंदसौर जिले के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और मुझे लगता है कि जो अपेक्षा यहाँ तय की गई है उस अपेक्षा के अनुरूप या मंदसौर का भी पार्टिसिपेशन भोपाल के महाकुंभ में। जो कार्यकर्ता नाराज है उनको किस तरह से मनाने का
नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता कहीं विचार उसका ऐसा होता होगा, मत से सहमत नहीं होता होगा, तो उसको भी बातचीत करके लगा दिया जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसकी नाराजगी कहीं किसी व्यक्ति से है तो थोड़े बहुत समय रहती है, विचारधारा और संगठन से उसकी नाराजगी नहीं हो सकती, इसलिए वो सब काम में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव में विजय दिलाने के लिए पूरे प्राण प्रण से जनता के बीच में जाएंगे। क्या माना जा रहा है, कितनी सीट आएगी? क्या मध्य प्रदेश में जो नेतृत्व की अपेक्षा है, नेतृत्व का जो काम है और उनके पास जो फीडबैक है, सब जगह की जन आशीर्वाद यात्रा और पार्टी के लगातार चलते कार्यक्रमों के बाद जो नीचे से जानकारी आती है, लगता है कि मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।